एक्सेल में भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। तो एक्सेल को एक बार ओपन करते हैं, देखते हैं एक्सेल में भी क्या ऐसा हो सकता है। तो यहां से चलेंगे एक्सेल को ओपन करते हैं। तो ये एक्सेल का 2007 है, चलिए 7 को ही ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या ऐसा हो सकता है, अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, काफी मजेदार है। आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले तो ये जो टास्क पेन ओपन है उसको क्लोज कर देते हैं हम, और अब यहां से थोड़ी सी साइज इसकी इंक्रीज कर लेते हैं। ये देखिए ये तरीका। अब यहां पर शीट 1 दिख रहा है आपको, शीट 1 को हम पासवर्ड से प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, यहां पर शीट 1 पे जाके राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ है प्रोटेक्ट शीट, तो हमको पूरे शीट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना। यानी ये जो शीट है इस पूरे शीट को प्रोटेक्ट करना है, तो यहां पर जाकर के सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए और प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहां पर ये ओपन होगा, ठीक है, और लिखा हुआ है सेलेक्ट लॉक्ड सेल, ठीक है, और यहां पे अनलॉक्ड सेल लिखा हुआ है, दोनों लिखा हुआ है, यानी दोनों पे टिक है, सेलेक्ट लॉक्ड सेल, सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल, ठीक है। तो लॉक्ड हो या अनलॉक्ड हो दोनों पर हम पासवर्ड लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये पासवर्ड मैं लगा देता हूं, तो ये एक पासवर्ड हमने लगा दिया और ओके कर दिया, ठीक है। और ओके करने के बाद उसी पासवर्ड को रीएंटर करना है, तो यहां पर रीएंटर भी कर दिया हमने और ओके कर दिया। अभी ये पासवर्ड से प्रोटेक्टेड हो गया। आप कैसे पता पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है, यहां पर हम कुछ लिख पा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, यहां पर हम कुछ भी नहीं लिख सकते। क्या यहां पर लिख सकते हैं, चलिए यहां पर लिख के देखते हैं, तो यहां पर भी नहीं लिख सकते। चलिए यहां पर क्लिक करते हैं, यहां पर लिख के देखते हैं, यहां पर भी नहीं लिख सकते। लेकिन क्या दूसरे शीट पे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। यहां पर दूसरा शीट ओपन करते हैं और यहां पर आते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं कि आप इजीली लिख पा रहे हैं, लेकिन इस वाले शीट को हमने कर दिया है प्रोटेक्टेड। तो जैसे इस वाले शीट पे जाएंगे तो आप लिख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिए यहां पर ये सारा हाईलाइट होना ऊपर से बंद हो गया है, देख रहे हैं, जबकि दूसरे शीट पे आएंगे तो ऊपर का सारा जो मेन्यू बार है वो सारा हाईलाइट है। तो ये तरीका है, आप चाहे एक्सेल में लगाइए, लिब्रा ऑफिस कैल्क में लगाइए, ओपन ऑफिस कैल्क में भी आप ऐसा ही लगा सकते हैं। और जो जादू एक्सेल में होता था वो यहां भी होता है। क्या होता है देखिए, यहां पर हम क्या करते हैं, एक नई शीट इंसर्ट कराते हैं। तो ये इंसर्ट करा लिया, अब क्या करेंगे, इस नई शीट पर ये जो सेकंड शीट है इस पे जाएंगे और इस पे जाके राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दिखता होगा ये प्रोटेक्ट शीट। तो आप क्या इस पूरे शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं पासवर्ड से, तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है सेलेक्ट प्रोटेक्टेड सेल्स, ठीक है। तो हमें तो सबको जो है प्रोटेक्ट करना है, तो अगर इन दोनों पे से हम हटा देते हैं तो ये पूरे पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो हमें पूरे पे अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसे क्लोज करते हैं और बताऊं, राइट क्लिक करता हूं, ये सेकंड वाले शीट पे जाना है, राइट क्लिक करना है। ये देखिए ये जो सेकंड वाली शीट है इस पे जाकर के आपको राइट क्लिक करना है, ऐसे जाके राइट क्लिक करिएगा और राइट क्लिक करके और क्या करना है, यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे अनप्रोटेक्टेड पे हटा देना है, प्रोटेक्टेड सेल्स सारी होंगी हमारी। और यहां पर आप पासवर्ड लगाइएगा, जैसे मान लीजिए हम पासवर्ड लगाते हैं, हमारा पासवर्ड है, ठीक है, आप कुछ भी लगा दीजिएगा और यहां पर इसी को कंफर्म करना है, ठीक है, ये ओके कर दीजिएगा बस यहां से। अब ओके कर दिया, अब यहां पर कुछ हम टाइप करते हैं, तो कुछ भी टाइप करेंगे तो यहां पर टाइप नहीं होगा। देखिए यहां पर जब हम टाइप कर रहे हैं तो यहां पर कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है, प्रोटेक्टेड सेल्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड, देख रहे हैं। आप कहीं पर भी कर लीजिए, आप यहां पर भी कर लीजिए, कहीं पर भी कर लीजिए, इस शीट पर आप टाइप कर ही नहीं पाएंगे। देखिए ये लॉक्ड है, इस लॉक्ड जो बटन है इस पे जाइएगा, यहाँ पर राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पर देखेंगे तो ये प्रोटेक्ट शीट है। तो यहाँ पर जब जाइएगा ना तो ये जो है अनप्रोटेक्ट करने के लिए पूछेगा, तो यहाँ पर वही पासवर्ड आप डाल दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा, तो ये अनप्रोटेक्टेड हो जाएगी और तब आप यहाँ पर एंट्री कर पाएंगे, ठीक है। ये भी बड़ी कमाल की है, एक्सेल में भी आप ऐसा कर सकते हैं, एक्सेल पे भी कर सकते हैं। फिलहाल आ जाते हैं लिब्रा कैल्क पर, तो ये आ गया। अब यहाँ से आप इसे एडिट कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं, आप यहां से जाकर के और सेलेक्ट कर सकते हैं सभी शीट्स को। तो ये गए, सभी शीट्स को सेलेक्ट किया, आप जो भी लिखेंगे ना ये सारे शीट्स पे आएगा। जैसे मान लीजिए ये हमने लिखा ना, अच्छा यहाँ पर ये शीट इंसर्टेड भी होनी चाहिए, ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये शीट क्या होगी, इंसर्टेड होगी तभी ये आएगा। तो ये शीट 2 हो गया, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ, ठीक है, अब ये सेलेक्टेड रहेगा। यहाँ से आपको जाकर के सेलेक्ट ऑल शीट करना पड़ेगा, ठीक है। और जब शीट सेलेक्ट ऑल शीट कर देंगे और यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ इंडिया, INDIA, ये लिख दिया इंडिया और एंटर करेंगे तो ये शीट 3 पे भी इंडिया आ जाएगा। देखिए ये ऑटोमेटिक आ रहा है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात ये समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। इस पर आधारित और भी वीडियोस आती रहेंगी, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।